जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बुक्स की पावर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बुक्स पढ़ना या बुक रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आज आपके सामने एक एग्जांपल लेकर आते हैं कि जेके रोलिंग जो है वो बिलियनर हो गई जब उसने किताबें लिखना शुरू की। तो जेके रोलिंग बिलियनर होगी बाय राइटिंग बुक्स। उसके बाद जब हम बात करते हैं जेफ बिजोस की, तो ये बिलियनर हो गया बाय सेलिंग बुक्स। और जब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की, जिसे वॉरेन बफेट कहा जाता है, ये बिलियनर हो गया बाय रीडिंग बुक्स। तो तीन फेजेज हैं इसमें। सबसे पहला तो हमने देखा कि बाय राइटिंग बुक्स जेके रोलिंग बिलियनर होगी, और उन किताबों को बेचकर जेफ बिजोस बिलियनर हो गया, और उन्हीं इसी तरह की किताबों को पढ़कर वॉरेन बफेट बिलियनर हो गया। एक बंदा बिलियनर हो रहा है किताबें लिख के, दूसरा उसको सेल करके, और तीसरा आप जानते हैं कि उन्हीं किताबों को पढ़ के वो बिलियनर हो गया। तो आज से आप कोशिश करें कि महीने में कम से कम एक किताब अपने सब्जेक्ट या अपने काम से मुतल्लिक ज़रूर पढ़ें, और इसलिए पढ़ें कि आपने कुछ ना कुछ उससे स्किल गेन करनी है, कुछ ना कुछ लर्निंग करनी है, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर उससे कामयाबी मिलेगी।